हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर का हेड अगर आपका जाम हो जाए। उसके बेरिंग भी ठीक है लेकिन फिर भी वो अगर जाम हो जाए, हवा बनाने के बाद में उसका कंप्रेसर हिले नहीं है। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल जाम हो गया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें प्रॉब्लम होगी ये दोस्तों, आपका जो रिटर्न वाल होता है कंप्रेसर का, रिटर्न वाल होता है जो जैसे ट्यूब वगैरह में वाल होता है उसी तरह इसमें भी वाल होता है, जो रिटर्न वाल होता है जो टंकी की हवा कंप्रेसर के हेड साइड वापस नहीं आने देता है। लेकिन अगर वो ख़राब हो जाए तो उसका क्या, कंप्रेसर की हवा हेड की साइड आ जाती है, इससे क्या कंप्रेसर का हेड जाम हो जाता है। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं, अगर इसमें हवा आ रही है, देखो दोस्तों हवा आ रही है इसमें, देखो इसमें टंकी की हवा वापस इसमें आ रही है, कंप्रेसर की जो रिटर्न वाल होता है इसमें हवा आती है, यह हवा आ रही है, तो इसका मतलब ये रिटर्न वाल ख़राब हो गया। इसकी वजह से यह रिटर्न वाल की हवा हेड के अंदर चल जाती है, वो हेड के पिस्टन में वो प्रेशर डाल के जाम कर देती है हेड के हवा को, हेड को जाम कर देते हैं। तो अब इसको ठीक करने के लिए पहले इसकी अगर प्रॉब्लम आपको एक्चुअल में पता नहीं चले तो आप इसको क्या करना है, टंकी की हवा सारी निकाल लेंगे, टंकी की हवा निकाल लेंगे तो उसके बाद में हेड का जो प्रेशर होगा वो हेड प्रेशर नहीं लगेगा हवा का और वो जाम फ्री हो जाएगा। फिर आपको ऐसे फिर चला के देख लेना है, चल गया आपको, अगर आपको हेड चल गया तो इसका मतलब ये है कि इसके रिटर्न वाली मिस्टेक है। वैसे तो रिटर्न वाल की हवा आ रही है, इसका मतलब रिटर्न वाल ख़राब है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं, टंकी की हवा हमने पूरी खाली कर दी है, ये देखो दोस्तों हवा खाली कर दी, अब ये चल गया, इसका मतलब ये चल रहा है, इसमें हवा आ रही है, फिर भी आ रही है, हवा आ रही है, तो इससे रिटर्न वाल मिस्टेक है, इसकी हवा आ रही है। अब ये चलेगा जब तक चलेगा, जब तक तो चलेगा, लेकिन जैसे ही बंद होगा उसके बाद नहीं चलेगा, उसके बाद में ये फिर इसमें हवा रिटर्न वापस हेड में चल जाएगी, इसलिए चलेगा ही नहीं, फिर जाम हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसे कभी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको ऐसे चेक कर लेना है। अब हम इसके एम्पेयर वगैरह भी नोट करेंगे कि एम्पेयर वगैरह क्या ले रही है मोटर, 5 की मोटर है, 5 14 से 40 कंप्रेसर पे लगा हुआ है, एम्पेयर वगैरह सारे नोट कर लेंगे इसके। ये मॉइस्चर की वजह से देखो ये टंकी में हवा पानी इकट्ठे हो गया हो जाता है, पानी को टाइम से टाइम निकाल लेना चाहिए, नहीं तो टंकी क्या अंदर जंग लगने से ख़राब हो जाती है। चल रहा है देखना आपको, अब ये एम्पियर देखो, ये 7 की मोटर तो 5 एम्पियर ले रही है, सही चल रही है, बात एम्पियर वगैरह सही चल रहे हैं। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने बंद किया तो फिर से जाम हो गया, यानी कि इसका रिटर्न वाल ही मिस्टेक है। अब हमें इसका रिटर्न वाल चेंज कर लेंगे और कुछ